हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है। ए टू जेड करियर्स स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट में जाकर ए टू जेड करियर सर्च कीजिए। ए टू जेड करियर सर्च करने के बाद आपको हमारा चैनल दिखाई पड़ेगा। उस चैनल के नीचे देखिए, उस चैनल के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को खोलिए। हमारे चैनल को खोलने के बाद एक घंटी नुमा आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो हमेशा समय से मिल जाए। ये बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों, क्योंकि आप अगर हमारे बेल नुमा आइकन को दबाएंगे तो हमारे द्वारा डाली गई नई स्मार्ट ट्रिक्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाकर आप हमारे सभी अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को मुंह जुबानी याद करना सिखाएंगे। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप जिंदगी भर इन्हें नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का है। चिल्ड्रन, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपको जनरल नॉलेज को 100% रिजल्ट के साथ बढ़ा देगी और आपको अपनी याददाश्त पर गर्व महसूस होगा। आइए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक्रोनिम टेक्निक द्वारा एक फार्मूला याद करा रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो प्रमुख रूप से भारत में हैं, उनके लिए एक फार्मूला बनाया है हमने। ओम भारत से ट्रिपल के में एमए करना चाहता है। के वाई को हमने हिंदी में बोला क्योंकि उसे कच्चा नहीं पूरा ज्ञान लेना है। पूरा की जगह पूरा लिखा है मैंने, बस ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक बार और रिपीट करा देता हूं, केवल ये फार्मूला अपने माइंड में याद रखिएगा। ओम हमारा दोस्त है, ओम भारत से ट्रिपल के में एमए करना चाहता है क्योंकि के वाई क्योंकि उसे कच्चा नहीं पूरा ज्ञान लेना है। दोस्तों, ओ से ओडिसी, एम से मणिपुरी, भारत से भरतनाट्यम, के से कथक और डबल के से कथक कली, एम ए से मोहिनीअट्टम और के से कुचिपुड़ी, कच्चा नहीं पूरा कुचिपुड़ी, और वाई से यक्षगान। अब हम दोस्तों आपको इस टेक्निक के द्वारा इसको फॉलो करते हुए ये बताएंगे कि कौन सा क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य किस प्रदेश का है। देखिए, सबसे पहले जो हमने फार्मूला याद किया था ओम भारत से, तो उसमें ओ और एम, ओ से ओडिसी डांस है और ओडिसी में ई की मात्रा अगर हम दोस्तों हटा दें तो ओडिशा बन जाएगा। ओडिसी और ओडिशा, ये याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओम में अब हम दूसरा एम लेते हैं, एम से मणिपुरी, इसमें भी हमें ई की मात्रा हटानी है दोस्तों, मणिपुरी का मणिपुर बन जाएगा और ये मणिपुर का क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है। इसमें अगर आप देखेंगे पिक्चर भी यहाँ साथ में दी हुई है, इस पिक्चर में गोल घाघरा सा पहने हुए हैं लड़कियां और कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो मणिपुरी से आपको याद हो जाएगा मणिपुर। ओडी ओ एम ओडिसी और मणिपुरी, ई की मात्रा हटानी है। भारत से देखे दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, तू मिल ना दूं, मैं भरत के नाट्यम को किसी को भी ना दूं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तो हम ये किसी को नहीं देंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, तू मिल ना दूं, मैं किसी को भी ना दूं, और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओ हो चुका है, एम हो चुका है, भारत हो चुका है। अब देखिए के से कथक, के से कथक, दोस्तों कथक बिरजू महाराज जी आपको पता ही है, फेमस हैं। इसमें 100 से ज़्यादा घुंघरू पैर में बांधे जाते हैं और घूम घूम कर ये डांस किया जाता है। कथक से आपको पान कथा चूना याद आता होगा दोस्तों, उसी कथक कथा, कथक से कथा याद रखना है। और कथा सबसे ज्यादा पान वगैरह कहाँ खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोग पान खाने के शौकीन होते हैं, तो दोस्तों कथक से आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। अब देखिए कथक से एक नया नाम
के ट्रिपल के में एमए डिग्री लेनी थी, आपको याद होगा दोस्तों। कथक के बाद आया डबल के, कथक से कथकली, कथक कली नहीं कथकली, कथक में कली और जोड़ दिया, के दो बार जुड़ गया, और कैसे केरला है दोस्तों। कथक और कली ले ली, कड़वा कर दिया, क्योंकि कली अगर ज्यादा डल जाए पान में तो केरल के करेले भी कड़वे होते हैं, तो इसलिए कथक कली केरला। कत्थे में जब हमने कली डाल दी तो ज्यादा कड़वा हो गया करेले जैसा, तो कथक कली कहाँ का डांस हुआ दोस्तों, केरल का। बड़ा आसान याद होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ी बात है, आप इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, यही आपका टेस्ट भी होगा। बस आपको याद रखना है कि वॉल्यूम का बटन बंद कर दें, ताकि वॉल्यूम ना आए, मेरी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, और ये वीडियो प्ले होती रहेगी, और आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और आंसर लिखते चले जाएं। टेस्ट जरूर करके देखिएगा दोस्तों, बाद में आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। कथक कली के बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ दोस्तों। कथक कली में अभिनेता मुखौटा लगाकर रामायण और मुखौटा लगाकर रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए गए चरित्रों को अभिनय करते हैं। ये बात भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में ये पूछ ले जाता है, मुखौटा किस डांस में लगाया जाता है कथक कली में। देखिए कथक और कली, कली से अपना पूरा चेहरा पोत लिया, कथक कली। तो याद रखें, रामायण और महाभारत के पात्रों का अभिनय किया जाता है कथक कली में। देखिए दोस्तों, ओम भारत से ट्रिपल के में एमए क्यों करना चाहता है, कच्चा नहीं पूरा ज्ञान लेना चाहता है, तो एमए का हो गया मोहिनी अट्टम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अट्टम जो है, अट्टम से आटा बनता है, और करेले की सब्जी केरल से बनती है, तो करेले का और आटे का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो याद रखिए, जितने भी अट्टम आएंगे वो सब केरला के करेले के हैं अट्टम। तो मोहिनी अट्टम केरला का ही डांस है, मोहिनी अट्टम। दोस्तों देखिए, मोहिनी अट्टम को केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये महिलाओं द्वारा विशेष रूप से परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मोहिनी अट्टम के साथ साथ तीन नाम और हैं अट्टम वाले, कृष्णा अट्टम, रामानट्टम, कुड़िया अट्टम। कृष्णा अट्टम में कृष्ण भगवान के बारे में, रामानट्टम में राम भगवान के बारे में परफॉर्म किया जाता है कुड़िया अट्टम। ये भी केरल के नृत्य हैं, जितने भी अट्टम है मैंने आपको बताया दोस्तों, सब केरल के नृत्य हैं। देखिए, ओम भारत से ट्रिपल के में एमए, एमए तक आपको याद आ गया, एमए करना चाहता है के वाई, क्योंकि के का लेना कच्ची पुड़ी, कच्चा पूड़ा नहीं ज्ञान लेना चाहता है। देखो, कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश से अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज किए करें, तो हमें अंधकार युक्त प्रदेश, जहां पे बहुत अंधकार है, और अंधकार में अगर आप पूरी सीखेंगे तो कच्ची पूरी सीखेंगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अंधकार में हमने कच्ची पूरी सीखी, कुची पूरी। कच्ची पूरी का हमने जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कुची पूरी। आंध्र प्रदेश में कुची पूरी, अंधकार वाले प्रदेश में कुची पूरी डांस है शास्त्रीय नृत्य। और लास्ट एक बात और बता देता हूं मैं दोस्तों, कुची पूरी, कच्ची पूरी का प्रसाद वगैरह हम चढ़ाते हैं, जैसे मंदिरों में पूरी का प्रसाद मिलता है, ये एक देव नृत्य माना जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा डांस शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा नृत्य देव नृत्य है, तो देव नृत्य एक ही नृत्य है कुची पूरी, इसे याद रखिएगा। और अंतिम वाई, ये अंतिम वाई से बनता है यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का। देखिए, कर्नाटक से अगर आपको ध्यान है, कर मत नाटक, कर नाटक, कर मत नाटक, यक्ष गान, यक्ष का तू गाना सुना। यक्ष महाभारत से मिलता जुलता वर्ड है, यक्ष जब आए थे युधिष्ठिर के सामने, तो याद कीजिए, कर मत नाटक, यक्ष गान गा के सुना। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगली बार फिर मिलते हैं जल्दी।